आज आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो, कहाँ का घेराव करने जा रहे हो? मैं लाल बिहारी यादव और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के त्रिवेणी शिक्षक संघ का जो मोर्चा है उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, संयोजक हूँ। पूरे प्रदेश के शिक्षक संगठन जो वित्त विहीन के हैं और सारे शिक्षक यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर लखनऊ विधानसभा पर इसलिए लोग आए हुए हैं कि हम भूख से पीड़ित हैं। 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 रुपया महीने में हमारा पेट नहीं भर पा रहा है, ना हम परिवार का अपने पालन कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए आए हैं कि 26 सितंबर 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दिया है कि समान कार्य का समान वेतन सबको मिलना चाहिए देश में, जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है तब तक सम्मानजनक मानदेय उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाले वित्तविहीन शिक्षकों को उत्तर प्रदेश की सरकार दे। हमारी सेवा नियमावली की आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई और जितनी भी मान्यताएं 1986 से आज तक जारी हुई हैं सभी गलत धाराओं में, असंगत धाराओं में है, जिसको सुसंगत धाराओं में परिवर्तित करने की मांग हमारी बड़ी लंबी चल रही है। ये सरकार का काम है लेकिन सरकार अपने काम से, अपने दायित्व से जो है पर काम नहीं कर रही है। कुल कितने वित्तविहीन शिक्षक होंगे पूरे प्रदेश? उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख वित्तविहीन शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी है और 21,000 के करीब जो है माध्यमिक के वित्तविहीन के विद्यालय हैं। अभी कितना वेतन मिल रहा है? वेतन प्रबंधक द्वारा किसी विद्यालय में 1,000, किसी विद्यालय में 2,000, किसी में 2,500, किसी में 3,000, शहरों में 3,000 से 4,000, 5,000 तक मिल जाता है, जिससे हम परिवार चलाने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। हमारा टीचर भूख से पीड़ित है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए आया है कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमको भी आप अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। ठीक, थैंक यू।